हेलो दोस्तों, तो आज के स्टूडियो में आपको ये बताऊंगी कैसे आप ऐसे एआई एनिमेशंस बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ एआई एनिमेशंस हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ एक कोई चैनल, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी हैं, ये देखिए, ये लाइक किड्स एनिमेशंस बनाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ ये पॉपुलर वीडियोज़ हैं इनकी, ये देखिए। तो हम जाते हैं इनके, देखते हैं ये चैनल कितने पैसे कमा रहा है। तो हम सोशल ब्लेड पर चले जाते हैं। सोशल ब्लेड पर जाते ही फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है। ये देखें, सर्च पर क्लिक करें। तो जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे आप, ये देखें, ये इंटरफेस आ जाएगा। ये देखें, 11,000 पर मंथ कमाते हैं ये, $11,000। और ये देखिए, ये इनके व्यूज़ हैं। और ये भी इनकी 88 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, 8K सब्सक्राइबर्स हैं। और ये देखिए, डेली के ये इतने कमाते हैं, $600-700। और ये इनके मंथली गेन सब्सक्राइबर और व्यूज़ हैं। उसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं ChatGPT पर। सबसे पहले हमें चैनल बनाना होगा, तो चैनल के लिए नाम और लाइक डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने के लिए हम आ जाते हैं ChatGPT पर। यहाँ पर हम लिख देंगे गिव मी एनिमेटेड स्टोरी चैनल नेम्स। तो ये देखें, ChatGPT ने हमें कुछ नेम्स दिए हैं जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हैं। तो मैं बोलूँगी गिव मी मोर अट्रैक्टिव को छोड़ें, बोलती हूँ मोर यूनिक नेम्स। ये इनमें से मुझे ये वाली अच्छी लगी है, एनिमेट्स है सागा। तो उसके बाद हम लिखते हैं राइट चैनल डिस्क्रिप्शन ऑन फॉर एनिमेट सागा। तो ये कॉपी कर लेती हूँ, इसे सेंड कर देती हूँ। तो ChatGPT डिस्क्रिप्शन लिख देंगे फॉर एनिमेटेड सागा यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑन एनिमेटेड स्टोरीज। तो ये लिख देती हूँ। देखें, ChatGPT ने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब्ड। तो इसे, उसके बाद हम बैनर के लिए कुछ क्वाइट्स लिखेंगे, वो जो बैनर बनाते हैं यूट्यूब चैनल के लिए। तो हम लिखेंगे राइट सम यूनिक क्वाइट्स फॉर चैनल बैनर। ये देखें, ChatGPT ने ये क्वाइट्स लिखे पर मुझे इनमें से कोई भी अच्छा नहीं लगा है। तो फिर से मैं लिख देती हूँ, देखूँगी राइट मोर। तो ये देखें, मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आया है। तो इसके बाद हम चलते हैं कैनवा पर। हम कैनवा पे आने के बाद हम यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कस्टमाइज साइज पर क्लिक करते हैं, लोगो पर सर्च करते हैं। पहले लोगो सर्च करते हैं, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पर क्लिक कर देना है, आपकी ब्लैंक लोगो टेम्पलेट आ जाएगी। तो आपको प्लस पर क्लिक करना है, यहाँ पर डिज़ाइन पर जाना है। यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन होंगे, ये देखिए। तो आप कोई भी डिज़ाइन अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको कस्टमाइज बनाना है तो वो भी आप देख लें अपने हिसाब से। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन से ओके, मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा, तो मैंने इसको चेंज करने की, अल्फाबेट को चेंज करने की कोशिश की पर नहीं हुआ, तो इसे हटा देते हैं। तो कोई न्यू वाला करते हैं, न्यू चूज़ करती हूँ बिकॉज इसका ये फॉन्ट नहीं लगा हुआ, मुझे एक अच्छा लगा। तो यहाँ पर लिख देती हूँ एनिमेट एनिमेशन सागा। ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैं कोई और चूज़ कर लेती हूँ। फिर से आ जाती हूँ डिज़ाइंस पर, और यहाँ पर बहुत सारे हैं, मुझे इनमें से लाइक, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये क्यों नहीं वो, ये देखें खाएँ। तो ये कर देते हैं, ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो यहाँ पर लिख देंगे एनिमेशन, और यहाँ पर लिख देंगे सागा टैग। सागा अच्छा नहीं लग रहा खाली, तो हम लिख देंगे सागा टैग TCH सागा टैग। तो ये सही है, बस इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं हम, डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके।
तो उसके बाद हम चले जाते हैं यूट्यूब गूगल पर, यहाँ पर लिख देते हैं यूट्यूब बैनर साइज, ये देखें ये यूट्यूब बैनर का साइज है। उसके बाद हम चले जाते हैं कैनवा पर, और कैनवा पर जाने के बाद प्लस पर क्लिक करना है और आपको कस्टमाइज साइज पर चले जाना है, कस्टम साइज पर। यहाँ पर आपको साइज़ ऐड कर देना है, क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करना है, और ये देखिए आपकी टेम्पलेट क्रिएट हो गई है। तो उसके बाद हम टेक्स्ट, पहले हम इसका कलर चेंज कर देंगे जैसे कि हमारा लोगो का था, तो ये सही है, बस आई थिंक यही सही है। तो उसके बाद हम एलिमेंट्स में जाकर ये ऐड कर देंगे जैसे लोगो का था, बिल्कुल वैसे ही हमने ऐड कर देना है। तो ये देखिए ये सही है। उसके बाद यहाँ पर ऑरेंज कर देते हैं इसे, ओके, टेक्स्ट ऐड कर देना है हमने, सब्सक्राइब टू एनिमेटेड सागा, ओके एनिमेट सागा। उसके बाद हमने ये बैनर हो गया सही, इसके थोड़ा कस्टमाइज कर लेना है। ये देखिए हमें इस बैनर को थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेना है, छोटा सा, तो ओके ये सही है, ओके। उसके बाद हमें इसे डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड पर क्लिक करें, हो गया डाउनलोड। तो उसके बाद हमें चल जाना है डीप मोशन पर, ये डीप मोशन की वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर चल जाना है थ्री डॉट्स पर, साइन इन पर क्लिक करना है, साइन इन नहीं साइन अप पर आई थिंक, ये थोड़ा टाइम लेंगी। ये देखें ट्राई इट नाउ पर क्लिक करना है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, ये इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्या करना है, ये वेरीफाइड कर देना है दैट यू आर ह्यूमन, तो इसे वेरीफाई कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर नेम, ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, तो ईमेल एड्रेस के लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस नहीं देना है, टेम्प मेल पर जाएं, टेम्प मेल पर जाकर यहाँ पर डिफरेंट ईमेल एड्रेस जनरेट करें ताकि आप उसे बार बार भी कर सकें, अगर आपके लाइक क्रेडिट्स ख़त्म हो जाएँ तो। आपको यही ऐड कर देना है, पेस्ट कर दें, ओके। तो फिर उसके बाद अगर आप लाइक डिफरेंट ईमेल एड्रेस करना चाहें तो आप यहाँ पर यू कर सकते हैं, जैसे कि ये पहला वाला ईमेल एड्रेस है, इसे रिफ़्रेश करके या डिलीट करके आपको मैं अभी दिखाती हूँ, रिफ़्रेश करके नहीं चेंज हो तो आपको इसे डिलीट कर देना है, डिलीट पर क्लिक करना है, तो आपका ईमेल एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो आपको इसे कॉपी कर लेना है, तो यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आपको चेंज कर देना है, ये यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है, ओके। और ये सवाल के कुछ जवाब दे देना है आपको, यस आई एम ह्यूमन, तो इसका जवाब भी दे देना है, और वेरीफाई कर देना है, वेरीफाई, ओके, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है आपने, ओके। फिर आपको वहीं पर टेम्प मेल पर जाना, ये लिंक होगी इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप आ जाएंगे रेड वाले, यहाँ पर क्लिक कर देना है रेड वाले बटन पर। उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, यहाँ पर आपको लिख देना है अपना पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद वही पासवर्ड आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर एक सवाल का जवाब देना है। उसके बाद क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको गो टू पोर्टल पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस देनी जो आपने चेंज की थी, वो ईमेल एड्रेस मैं अभी दूँगी, यहाँ पर थोड़ा लाइक टाइम लगेगा इसे, ये यहाँ पर अब मैं पेस्ट कर दूँगी ईमेल एड्रेस। यहाँ पर जो आपको आपने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड दे देना है, पासवर्ड रिमेंबर मी साइन इन पर क्लिक करना है, और आपका क्रिएट हो जाएगा अकाउंट। ये देखिए आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो आपको फिर एनिमेशन क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कैरेक्टर क्रिएट करना होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टाइल अवैटर पर चले जाना है, स्टाइल अवैटर्स पर चले जाना है। उसके बाद ये देखिए ये लोडिंग हो रहे हैं, तो उसके बाद आप इसको जैसे भी आप अपनी मर्जी से स्टाइल करवा सकते हैं, जैसे कपड़े के जैसे कपड़े पहनवाना चाहें, जैसे आप चाहें आप अपने करेक्टर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये देखें, आप जैसे भी चाहें आप अपने करेक्टर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इनके बाल के कलर चेंज करना चाहें आप, ब्राउन करना चाहें, पिंक करना चाहें, येलो करना चाहें, जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। स्टाइल चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये देखिए
ये इनके स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, मुझे ये वाला सही लगा। उसके बाद आप इनकी लाइक ये देखें पिंक ही चाहिए कलर, और ये देखें। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर आपको मॉडल नेम लिख देना है, मैं इसे अलवर लिख दूँगी जो कि मेरा नाम है। ओके, इसे नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ये थोड़ा टाइम लेगा, ये कुछ 5-6 मिनट लेंगे। और इसे आप जिस तरह चाहें वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये आपका करेक्टर बन गया है। ये लार्जर इमेज पर क्लिक करें और उसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। क्रिएट पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको वीडियो लाइक कोई वीडियो सोर्स देना पड़ेगा, कैसे आपको अपना करेक्टर चाहिए कि क्या वो क्या करना चाहिए उस करेक्टर को। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब पर चले जाना है। यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो डाउनलोड कर लूँगी, यहाँ पर डांस वाली वीडियो डाउनलोड कर लूँगी किसी की भी। ये देखिए, आप कोई भी डांस वाली वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी सही, बट ये मुझे ये अच्छी लगी तो ये मैंने डाउनलोड कर लेना है। कॉपी लिंक कर दिया, फिर से गूगल पर आकर मैंने इसे पेस्ट कर देना है। यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर लिखना है और ये फर्स्ट वेबसाइट पर आकर लिंक पेस्ट कर देनी है। तो वीडियो को डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्रिएट पर करें, ये देखें 3D मॉडल पर जाएं, यहाँ पर जाएं। ओके, आपको 3D मॉडल पर नहीं जाना है बिकॉज यहाँ पर सिर्फ यही होंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, ये यही है, तो मैं जस्ट आपको बता रही थी। तो हम जनरेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम मोबाइल पर दोबारा आ जाते हैं। हम जनरेट पर क्लिक करेंगे, ब्राउज़र वो वीडियो डाल देंगे हम जो वहाँ पर डाउनलोड की थी। ओके, इस वीडियो को आपको एक शॉर्ट नेम देना है जो कि छोटा हो। उसके बाद आपको ये सारी देख लेनी है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको अपना करेक्टर सेलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको फिजिक्स फिल्टर नहीं ऑन करना बिकॉज उससे वो आपकी एनिमेशन नहीं ऐड करेंगे करेक्टर को। उसके बाद ये जैसे ही पूरा हो जाए, ये देखें ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है, तो आपका करेक्टर प्रीव्यू हो रहा है, ये देखें थोड़ी देर लगेगी, ये देखें हो गया। ये जैसे वो कर रहे हैं वैसे ये भी कर रहे हैं, ये देखें। ओके, ये हमारा करेक्टर बन गया है। तो आप ये देख सकते हैं ये कैसे लाइक एनिमेट हो रहा है खुद ब खुद। आप इसको वीडियो का सोर्स दे सकते हैं, उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने कैरेक्टर को। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए।